दोस्तों, एक जगह दुनिया विकास के नाम पर टेक्नोलॉजी को दिल से अपना रही है, वहीं इस दुनिया में कुछ ऐसी जनजातियां भी मौजूद हैं जिन्हें बिना टेक्नोलॉजी के प्रकृति के बीच में कोई सुख सुविधा के बिना रहना में एक अलग ही मज़ा आता है। इन जनजातियों के रहने का ढंग इतना ज़्यादा अलग है कि ऐसा महसूस किया जा सकता है कि ये किसी और ही दुनिया के हैं। अब आप सोचिए, अगर कोई किसी के ऊपर थूक दे तो इसे कोई भी अपना अपमान समझेगा, लेकिन अफ्रीका में रहने वाले मसाई जनजाति के लोग इसे एक आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। सिर्फ यही नहीं, कुछ ऐसी जनजातियां भी इस धरती पर मौजूद हैं जो जंगली और खूंखार जानवरों से भी ज़्यादा खतरनाक है, और ऐसी जनजातियों के पास जाना खुद की मौत को बुलाने के बराबर है। अब ये जनजातियाँ कौन सी हैं और कैसे अपना जीवन व्यतीत करती हैं, चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि आपके पास आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर एक, मसाई ट्राइब। सबसे पहले बात करते हैं अफ्रीका के तंजानिया में रहने वाले मसाई जनजाति के बारे में। ये जनजाति पिछले 5000 सालों से अपने पुराने तौर तरीकों से ही रह रही है। यहाँ के रहने वाले लोगों का मुख्य पेशा गायों को पालना है, इसी के आसपास इनकी अर्थव्यवस्था घूमती है। लेकिन इन जनजातियों की सबसे बड़ी चुनौतियाँ यहाँ के जंगली जानवर हैं, इनके द्वारा पाली गई गायों पर हमला करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन मसाई जनजाति के लोग भी खतरनाक जानवरों से बिल्कुल कम नहीं हैं। ये जनजाति के लोग भी अपनी गायों को बचाने के लिए शेर और चीतों जैसे खतरनाक जानवरों से भी लड़ जाते हैं। अब बिना किसी हथियार के इन खतरनाक जानवरों से लड़ना कोई आम बात तो नहीं है, लेकिन इन लोगों के लिए ये रोज़ का काम है। मैं आपको बता दूं, इन लोगों को ज़रा भी डर नहीं लगता कि सामने वाला जानवर इनका क्या करेगा। इन्हें तो बस इतना पता है कि इनकी अर्थव्यवस्था गायों पर निर्भर करती है और उन्हीं गायों को सुरक्षित रखना इनका सबसे बड़ा फर्ज भी है। लेकिन इनका ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मसाई जनजाति के लोग बिना मतलब के शेर और चीतों को मारते रहते हैं। उल्टा ये लोग जंगली जानवरों की भी शिकारियों से रक्षा करते रहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि इन जंगली जानवरों की संख्या भी इन शिकारियों की वजह से कम होती जा रही है, जिसे संतुलित करके रखना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। वैसे इनकी बहादुरी के साथ साथ इनके अजीब तरह के रीति रिवाज भी लोगों को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इन जनजातियों में जब किसी लड़की की शादी होती है तो विदाई के समय उसके ऊपर थूका जाता है ताकि लड़की के परिवार वालों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और वो अपनी आने वाली लाइफ को खुशहाल बना सकें। करूबू ट्राइब्स। चलिए अब बात करते हैं अमेज़न के जंगलों में रहने वाली करूबू ट्राइब्स नाम की जनजाति के बारे में, जो कि आपको पेरू और ब्राज़ील के बॉर्डर पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, इस जनजाति के लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए काफ़ी बड़े क्लब को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस जनजाति के लोगों को क्लब मैंस के रूप में भी जाना जाता है। मैं आपको बता दूँ, इस जनजाति के आसपास रहने वाली कुछ और जनजातियाँ भी हैं जो बाहर की दुनिया से काफ़ी घुली मुली भी हैं, लेकिन काबरू ट्राइब के लोग किसी के साथ भी घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए आसपास की जितनी भी जनजातियां हैं वो इनको काफ़ी अजीब समझती हैं। साल 1998 में दो लोग जंगल के अंदर गए, उनमें से एक बीमार पड़ गया, उसे तुरंत हॉस्पिटल में लाना पड़ा, और उसके बाद जब उसने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया तो उसने इस काबरू ट्राइब के बारे में भी बताया। उस शख्स का कहना था कि काबरू जनजाति के लोगों को बाहर से आए लोगों के साथ घुलना मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और अगर वो चाहें तो सामने वाले पर हमला भी कर सकते हैं, और हमला करने के लिए ये लोग तीर और धनुष के साथ साथ शॉटगन का भी इस्तेमाल करते हैं। कवाहिवा ट्राइब्स। आइए अब मैं आपको अमेज़न के जंगलों में रहने वाले कवाहिवा ट्राइब्स के बारे में बताता हूँ। ब्राज़ील की अथॉरिटी के हिसाब से इस जनजाति में करीब 55 लोग रहते हैं, और कहा जाता है आने वाले समय में ये नंबर और भी नीचे गिर सकता है, क्योंकि इस जनजाति के लोग अपने बच्चे पैदा नहीं करते हैं, और इन लोगों का ऐसा करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ज़रूरी चीज़ों की कमी। इस जनजाति के लोगों को ये बात का बड़े अच्छे तरीके से पता है कि आज नहीं तो कल लकड़ियाँ काटने वाले आएंगे और लकड़ियाँ काट कर ले जाएंगे, और इनके साथ साथ ऐसा होता भी है। जिस इलाके में ये रहते हैं वहाँ पर कई लकड़ियाँ भी काटी जाती हैं, इसलिए ये लोग अपना घर हमेशा बदलते रहते हैं।
कई बार ये लोग इस चीज का विरोध भी करते हैं, लेकिन इन्हें पता है इससे कोई फायदा नहीं, इसलिए इन लोगों ने एग्रीकल्चर पर डिपेंड होना छोड़ दिया है। अब इस जनजाति के लोगों ने हंटिंग और फिशिंग को अपने जीने का सहारा बना लिया है, और इन्हें पता है कि आने वाली पीढ़ी को नई तरह की जिंदगी के साथ नहीं पाला जा सकता, इसलिए अब ये लोग बच्चे पैदा नहीं करते। इसलिए अब ये पूरी तरह से साफ है, आने वाले दिनों में ये जनजाति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आवा ट्राइब्स, अगर अमेज़न की सबसे खतरनाक ट्राइब के बारे में बात करूं, तो उनमें से सबसे पहला नंबर आता है आवा ट्राइब का। इस जनजाति के लोगों के पास अच्छी खासी जमीन है रहने के लिए, और इस जनजाति में करीब 350 से ज़्यादा लोग रहते हैं। लेकिन बात यह है कि इस जनजाति में करीब 100 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें बाहरी ज़िंदगी के साथ कनेक्शन रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ये ख़तरनाक भी बहुत होते हैं। लेकिन आपको ये बात तो अच्छे से पता है कि इंसान चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, सत्ता की ताकत के आगे किसी की नहीं चलती, और जंगल की इस दुनिया में भी कुछ इसी तरह की पॉलिटिक्स खेली जा रही है, जिसकी असली वजह यह है कि जिस जगह आवा ट्राइब्स के लोग रहते हैं वहां पर जमीन के अंदर काफी बड़ी मात्रा में लोहा पाया गया है, जिसे खोदकर सरकार निकालना चाहती है, और इसी वजह से लगातार यहाँ के पेड़ काटे जा रहे हैं और यहाँ रहने वाले आवा ट्राइब के लोगों को भगाया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब इस जनजाति के एक शख्स ने इनके एरिया में लकड़ी काटने आए लोगों का विरोध किया, तो उन लोगों ने मिलकर उसकी बहुत पिटाई की, वो भी उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग काफी निडर और ताकतवर किस्म के होते हैं। हालांकि ये बात जब बाहर निकली तो फेडरल जज ने ये निर्णय लिया कि यहाँ पर रहने वाली जनजाति के लोगों को 180 दिन में ये जगह छोड़कर जाना होगा, पर फिर भी यहाँ पर रहने वाले लोग नहीं माने और लगातार विरोध करते रहे, पर उनके विरोध करने के बावजूद भी लकड़ियाँ कटती रहीं, यहाँ तक कि यहाँ के लोगों ने यहाँ पर आग लगानी भी शुरू कर दी ताकि यहाँ पर रहने वाली जनजाति डर के भाग जाए और उनके लिए लकड़ियाँ काटना आसान हो जाए। ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी यहाँ के लोग अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। आपको बता दूं कि यहाँ के लोग बहादुर होने के साथ साथ बहुत क्रिएटिव भी हैं। इन्हें इनकी रीति रिवाजों की वजह से भी जाना जाता है। कारवा नाम के एक रिवाज के अनुसार यहाँ की महिलाएं पुरुषों को तोते और किंग वल्चर्स के पंखों से सजाती हैं। इसके बाद यहाँ के लोग तालियां बजाकर गाते हैं ताकि यहाँ के पुरुष आसमान पर जाकर अपने पूर्वजों से मिल पाएं। इसके अलावा इस जनजाति के लोगों में जो लोग हंटिंग करते हैं वो अपने काम में इतने माहिर होते हैं कि फिर चाहे दिन हो या रात वो बड़े ही आराम से शिकार को पकड़ सकते हैं। यहाँ पे रहने वाले हंटर्स दिन में 7 घंटे हंटिंग का काम करते हैं और उसके बाद इनका परिवार पेट भर के खाना खाता है। ज़्यादातर ये लोग अकेले ही शिकार करना पसंद करते हैं ताकि ये लोग अलग अलग जगह पर फैलकर ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों का शिकार कर सकें। दोस्तों वैसे तो इन लोगों के पास शिकार करने का एक और तरीका है, या तो ये लोग पेड़ के ऊपर बिल्कुल टॉप पर बैठ जाते हैं और इंतज़ार करते हैं, जैसे ही कोई इनके करीब आता है तो ये तुरंत पेड़ के ऊपर से उसके ऊपर वार कर देते हैं और उसे घायल कर देते हैं, जिसके बाद उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। आवा ट्राइब के लोग जाले का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि ये अपने शिकार को फंसा सकें, और जैसे ही इनका शिकार फंस जाता है तो ये उसको अपने हथियार से मार डालते हैं। शिकार पर वार करने के लिए इनके पास शॉटगन होती है, जिसे ये खुद अपने हाथों से तैयार करते हैं। दोस्तों इन जनजातियों का मुख्य शिकार बड़े साइज के चूहे होते हैं, हालांकि ये लोग कभी कभी हिरन का भी शिकार करने से पीछे नहीं हटते। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्राज़ील की सरकार ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इतनी बड़ी संख्या में ये जनजाति ब्राज़ील के जंगलों में अपना कब्जा कर ले, इसलिए 2014 में ब्राज़ील की गवर्नमेंट ने आर्मी के लोगों को पूरे हथियार समेत वहाँ पर भेज दिया, जिसमें बुलडोज़र और हेलीकॉप्टर भी शामिल थे, ताकि यहाँ पर रहने वाले आवा ट्राइब के लोगों को यहाँ से हटाया जा सके। इसलिए इस ऑपरेशन को ब्राज़ील का सबसे बड़े ऑपरेशन के तौर पर देखा जाता है, जिसमें ना सिर्फ इस जनजाति के लोगों को नुकसान हुआ बल्कि इन लोगों ने आर्मी के जवानों को भी अपने हथियारों से घायल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो दोस्तों ये थी दुनिया की कुछ ऐसी जनजातियाँ जो खुद तो खतरे में है ही, इसलिए जब मौका मिलता है तो ये दूसरों पर भी खतरा पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ती।
बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो मिलता हूं अगली वीडियो में।